आज हम सुपर टेस्टी गवार आलू फ्राई बना रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए इसे अब हम बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनोरमा। कुक विद मनोरमा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गवार फली की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर हमने गवार लिए है। वजन में 250 ग्राम है। इसे हमने हाथों से तोड़कर अच्छे से वॉश कर लिए है। यहाँ पर 3 मीडियम साइज के आलू जिसे छील कर हमने लंबी स्लाइस में कट किए हैं। यहाँ पर हमने 1 चम्मच तेल रखे है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम आलू डालेंगे, गवार डालेंगे और इसे हमें भूनना है। चलो फ्राई करेंगे हम। 70-80% गवार और आलू तेल में ही पक जाना चाहिए, इतना हम इसे फ्राई करेंगे। इस तरह से सब्जी बनाएंगे तो सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। 70% देखिए सब्जी तेल में ही पक गई है। गवार और आलू देखिए पक गया है। इसे हम कट करेंगे तो कट भी होगा। देखिए सिर्फ थोड़ा ही कसर बाकी रह गया है। अब इसे हम तेल में से निकाल लेंगे। सब्जी को हमने निकाल ली है और उसी कढ़ाई में हमने 1 चम्मच तेल और रखे गर्म होने के लिए। इसमें हम 1/2 चम्मच राई डालेंगे और राई को तड़कने देंगे। राई में से देखिए चटर पटर की आवाज़ आ रही है। इसी समय इसमें हम 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे। राई और जीरा देखिए अच्छे से तड़क चुका है। यहाँ पर अदरक लहसुन हरी मिर्च हमने पीस कर लिए है। 1 इंच अदरक है, 8 से 10 कली लहसुन है और 2 हरी मिर्च है। इन सबको हमने मिक्सी में पीस लिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका कच्चापन चला जाएगा तब तक हम भून लेंगे। अदरक लहसुन हरी मिर्च का कच्चापन चला गया है। यहाँ पर हमने 2 प्याज दिए हैं, छोटे साइज का प्याज है। इसे हमने बारीक टुकड़ों में कट कर लिए हैं। अच्छे से मिक्स करना है। प्याज का कलर हल्का सॉफ्ट हो जाए, गुलाबी कलर हो जाए तब तक हम प्याज को पका लेंगे। प्याज देखिए सॉफ्ट हो गया है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। इसी समय इसमें हम टमाटर डाल देंगे, 2 टमाटर जिसे हमने मिक्सी में पीस लिए हैं। मिक्स करना है और इसमें हम कुछ मसाले और ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिए है, छोटा चम्मच है। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर हमने धनिया पाउडर लिए है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और 1 चम्मच नमक है। स्वादानुसार नमक लेना है। सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पर 7 से 8 मिनट हम मसाले को अच्छे से पका लेंगे। ऑयल सेपरेट हो जाए तब तक मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। मसाले की भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। अगर मसाला अच्छे से भुना रहेगा तो ही सब्जी खाने में अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। इसलिए मसाले की भुनाई हमें अच्छे से करना है। मसाला देखिए अच्छे से भुना जा चुका है, ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। इसी समय इसमें हम फ्राई किए हुए आलू और गवार डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, ज़्यादा गरम मसाला का यूज़ नहीं करना है। 1/4 चम्मच यहाँ पर हमने गरम मसाला डाले हैं। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो इस वक्त आप इसमें बॉयल्ड पानी डाल सकते हो, पर मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ इसलिए पानी का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि सब्जी हमारी 80% पहले ही पक चुकी है। सिर्फ 20% पकना बाकी है इसलिए हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे। धीमी आंच पर इसे ढक देंगे और 3 से 4 मिनट पकने देंगे। 3 से 4 मिनट में जो 20% सब्जी बाकी है वो पक जाएगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक करिए, कुक विद मनोरमा चैनल को सब्सक्राइब करिए। 4 से 5 मिनट हमने सब्जी को पका लिए है। गवार भी अच्छे से पक गया है और आलू भी पक गया है। एक आलू हम कट करते हैं, देखिए आसानी से कट जा रहे हैं। सुपर टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। अब इसमें हम हरी धनिया डाल देंगे और मिक्स कर लेना है। सब देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। हम गैस को बंद कर देंगे। आप भी एक बार इस तरह से गवार फली की सब्जी ज़रूर बनाइए। गवार आलू की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे हमने शैलो फ्राई करके बनाए हैं। आप इसे रोटी के साथ खाइए, राइस के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए, फुलका के साथ खाइए, टिफ़िन पर दीजिए। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। मैं आपको याद दिला दूँ, आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए। चैनल पर नए हो तो कुक विद मनोरमा चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी मज़ेदार नई नई आने वाली रेसिपी के लिए। अब हम सर्व करेंगे। सुपर टेस्टी गवार और आलू फ्राई बनकर तैयार। इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ, राइस के साथ खाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय।